डाउन प्लीज. थैंक यू सर. हम लोग क्या कर रहे हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब मेरी थोड़ी हेल्प करोगे? यस सर. इस पे इसमें जो है 6-6 सेंटीमीटर की पट्टियां काटो और इसकी 5-5 सेंटीमीटर की पट्टियां काटो. और ये 10-10 सेंटीमीटर की पट्टियां काटो. हाँ काट दो 20 को. चलो अब इससे हम लोग देखते हैं. एक हम लोग के पास 5 का है, 5 सेंटीमीटर के टुकड़े, और एक हम लोग के पास 6 सेंटीमीटर के हैं और एक 10 सेंटीमीटर के हैं. अब हम लोग ये करके देखते हैं कि क्या हम लोग इस तरीके से रखें इसे कि 5, 6 और 10 बराबर दूरी की लंबाई बनाए. क्या ऐसा हो सकता है? 5 से भी बराबर दूरी बने, 6 से भी बराबर दूरी बने और 10 से भी बराबर दूरी बने. चलो करके देखते हैं. मैं यहाँ पे एक बार जो है आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप लोग करके देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं. ठीक है, पहले हम लोग सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे. ये हो गया 10. ठीक है, 10 का रखा. अब इसके बाद हमने 6 को रखा. ये तो छोटा हो गया. एक और 6 जोड़ दें. एक और 6 जोड़ दिया, बड़ा हो गया. क्या किया जाए? एक और 10 मिला दें. नहीं, सबको बराबर दूरी पे करना है. 5 हो गया, 5 तो 6 से भी कम आ रहा है. एक और 5 लगाया, ये तो अभी भी कम हो रहा है. एक और 5 लगा के देखते हैं, ज्यादा हो गया. चलो एक और लगाते हैं 10 का. ये और लंबा हो गया. अब देखते हैं 6 का एक और लगाते हैं. बड़ी झंझट है. चलो एक और लगाते हैं 6 का. फिर छोटा पड़ रहा है. एक और लगाए. अरे ये तो मिल गया. ठीक है, पर 6 का मिल गया, 5 का क्या? 5 का एक और लगा. अभी एक और बचा है. हो गया. गौर से देखो 5 कितने लगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 कितने लगे? 1, 2, 3, 4, 5. ये कितने लगे? 1, 2, 3. करके देखेंगे. अगर बदल दो तुम्हें कुछ थोड़ा सा बदल दे इसमें. बोलो. अगर बदल दें इसमें तो हम बदल लीजिए. चलो मैंने किस किस से किया? 5 से किया, 6 से किया और 10 से किया. देखिए कौन सा कलर था हम लोग का 5 का? ऑरेंज. ठीक है, ऑरेंज कलर हम लोग का 5 का था. ब्लू कलर हम लोग का 6 का था और ग्रीन कलर हम लोग का 10 का था. तो पहला ऑरेंज कितना था? 5.
दो मिल गए तो 10, तीन मिल गए तो 15, चार मिल गए तो 20, पांच मिल गए तो 25, छः 30। ये देखो 6, 2, 12, 3, 18, 4, 5, 30। ये 10, 20, 30। गौर से देखो ये हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ले रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। यहाँ पे क्या कर रहे थे, पांच एकम एक, पांच दूनी दस, पांच तीन पंद्रह, पांच, ठीक है, मल्टीपल ले रहे थे। यहाँ पे भी छह एकम एक, छह दूनी बारह, छह तीन अठारह, छह, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, दस बीस तीस। अब इसमें देखो यहाँ पे तो दस दस तो आया पर इसके साथ कॉमन नहीं आया, यहाँ पे बीस बीस तो आया पर इसके साथ कॉमन नहीं आया, खाली यहीं पे कॉमन आया, ठीक है। तो ये क्या आया, मल्टीपल आया, मल्टीपल के साथ कॉमन भी है, और चूंकि सबसे छोटे में यही मिल रहा है, अभी और अगर हम लोग चालू करें तो और भी चीजें मिलेंगी, तो सबसे छोटे पे यही मिल रहा है, तो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कम से कम हमें 5, 6 और 10 सेंटीमीटर की कितनी जो है कटिंग चाहिए कि वो उतनी दूरी तक पहुंच जाए, 30 सेंटीमीटर को हम लोग नाप सके। अब आप लोग को एक काम करना है, मैं आप लोग को 5 की दे रहा हूं और 6 की दे रहा हूं और 10 की दे रहा हूं। 5 में से आप 2 निकालेंगे, 6 में से 3 काट के निकालेंगे और 10 में से 5 काट के निकालेंगे और फिर करके देखेंगे कि आप लोग कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तुम लोग के पास 2 सेंटीमीटर का है, ब्लू 3 सेंटीमीटर का है और ग्रीन मुझे 3 सेंटीमीटर वाले कुछ दो, मैं करेक्ट आंसर बताऊं, थोड़े से थोड़े से। देखो जोड़ के देखो क्या बराबर दूरी तक ला सकते हो तीनों को, कम से कम कितनी बराबर दूरी पे ला सकते हो। नहीं सही नहीं आ रहा है, सही नहीं है, दो तीन पांच, सब जोड़ लेंगे उसके बाद से हम बताएंगे कि देखो कितने चाहिए थे आपको कम से कम। चार छः आठ, आठ तीन छः नौ बारह पंद्रह, आठ और पंद्रह बराबर, ये दो सेंटीमीटर, ये चार सेंटीमीटर, छह सेंटीमीटर, आठ सेंटीमीटर, और ये तुम्हारे कितने के हैं, तीन के ना, तीन छः नौ बारह पंद्रह बराबर हो गए। चलो अब इसके बाद रिजल्ट का टाइम आ गया, दो सेंटीमीटर
फिर चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस, ठीक है। तीन के देखते हैं, तीन छः नौ बारह पंद्रह अठारह इक्कीस चौबीस सत्ताईस तीस। पांच के कितने, एक दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस। देखो ये सब क्या है, मल्टीपल है। दो के आपको ऑरेंज के कितने चाहिए थे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है, कते आते थे। और यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ठीक है। यहाँ पे कितने चाहिए थे, एक दो तीन चार पाँच छ। बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल ले रहे हैं। इनमें से कॉमन देखिए, इन दोनों में छह था पर तीसरे में नहीं था, इन दोनों में बारह था पर तीसरे में नहीं था, इन दोनों में दस था तो नहीं था, इन दोनों में अठारह था तो नहीं था, खाली तीस जो है वो कम से कम सभी में कॉमन है। तो ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इस टोकरी में कुछ हैंगर है, पर्दे के हैंगर हैं कुछ, इस टोकरी के अंदर पर्दे के कुछ हैंगर हैं, बिना इसे काउंट किए खाली एक पहेली सुलझाओगे और बता सकते हो कि इसके अंदर कितने हैं। बिना पहेली के अच्छा एक बात बताओ, अगर बिना पहेली आंसर दो तो सबको क्या मिलना चाहिए? अभी तक तो मैंने पहेली नहीं पूछी। चलो, इसके अंदर पहेली क्या है, इसके अंदर इतने सारे वो हैं कर्टेन के रिंग्स, जिससे जब चाहे तीन के बनाओ, जब चाहे चार के बनाओ, बोलो बोलो, जब चाहे तीन के बनाओ, जब चाहे चार के बनाओ और जब चाहे आठ के बनाओ, और बराबर बने, जल्दी का काम। इसमें इतनी है कि जब चाहे तीन की बना लो, जब चाहे छह की बना लो, जब चाहे आठ की बना लो, और उसके बाद भी एक बच जाएगा, उसके बाद भी एक बच जाएगा। जब चाहे तीन के बंडल बनाए, जब चाहे चार के बंडल बनाए, जब चाहे आठ के बंडल बनाए, फिर भी एक बच गया। अच्छा एक काम करो, सब अपने पास एक कागज निकालो और उसमें एक आंसर लिखो और पूछी बंद कर लो, फिर सॉल्यूशन देखते हैं किसका सही जाता है। एक पूछी लो, उसमें अपना आंसर लिख के बंद कर लो और उस पर अपना नाम लिख दो, आप देखें कागज के टुकड़े हैं आपके पास, फिर देखें किसका सही जाता है।
मालूम नहीं, आंसर जो तुम लोग बार बार चीख रहे हो उसको लिख के बंद कर दो अपने नाम के साथ, फिर देखता हूँ कि किसका आंसर सही है, वरना जब चाहे तुम लोग 1, 2, 3, 4, 10 ऐसे फेंका करते हो जब तक सही आंसर ना आ जाए। नहीं बस नाम लिखो अपना, बस ठीक है, इसके अंदर डालो, इसके अंदर डालिए, अपने रिजल्ट डालिए। रिजल्ट क्या हुआ, बस इतने लोगों के आंसर, चलो तीन के अगर बंडल बना रहे हो, हम ये कह रहे हैं इस टोकरी से जब चाहे तीन के बनाओ, जब चाहे चार के बनाओ, जब चाहे आठ के बनाओ, और फिर भी एक बचा रह जा रहा है, तो देखो तीन के छह नौ बारह पंद्रह अठारह इक्कीस चौबीस और सत्ताईस तीस आगे तैतीस का ही हो सकते हैं, ठीक है। छह का क्या होगा, बारह अठारह चौबीस तीस, ठीक है। आठ का देखते हैं, आठ सोलह चौबीस बत्तीस। अब देखो मल्टीपल कितने हैं, ये सब क्या है, मल्टीपल है, तीन छः नौ बारह पंद्रह अठारह, ये सब क्या है, मल्टीपल, ठीक है। इसी तरीके से छः झगड़ा क्यों हो रहा है, अभी तक किसी का आंसर मालूम नहीं हुआ और सब लड़ रहे हैं। किसने कहा सही आंसर, तीन छः नौ बारह पंद्रह अठारह, ये सब क्या है, मल्टीपल है। तुम लोग ये तरीका नहीं देख रहे हो, खाली इसके बगैर अगर कोई और पहेली पूछती तो फिर गलत आंसर दोगे, यहाँ पे तरीका नहीं देख रहे हो कि कैसे सॉल्व होगा, तरीके पे गौर करो, वरना अगली बार टेस्ट लूंगा ना सबके, फिर वही जीरो हो जाएंगे, और अगर तरीका देख लिया तो स्टार आ जाएगा। तीन छः नौ बारह पंद्रह इक्कीस, ये सब क्या है, मल्टीपल। सीधी सी बात है, जब भी कोई चीज दी हो तो उसके मल्टीपल लिखते चले जाओ, तीन के मल्टीपल लिखते चले गए, छह के मल्टीपल लिखते गए और आठ के मल्टीपल लिखते गए, इसमें से हम लोग कॉमन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कॉमन बाकी सब में तो आ रहे हैं, पर तीनों में कॉमन नहीं आ रहे। फिर हम लोग ने तीनों कॉमन देखा, क्या हुआ, चौबीस। अगर इसी तरीके से आगे जाते तो आगे भी कहीं ना कहीं कॉमन मिलता जरूर, ठीक है। हमने कहा था कम से कम कितनी हो, ठीक है, तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, चौबीस। पर एक चीज कही गई थी इसमें, जब भी बंडल बनाओ तो एक बचा रह जाता है, पच्चीस। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह
सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस। देखो अगर बिना मालूम किए कि इसके अंदर गिनती किए हम लोगों ने निकाल लिया सिर्फ पहेली से कि तीन चार और आठ में की जाए और एक बच जाए तो कितनी होगी, खाली पहेली से भी आंसर देखो क्या सही निकल गया। लेकिन सर आपने काउंट किया था, कहाँ आपने काउंट किया था? कहाँ पे बेटा? एक पहेली मैं पूछा हूँ तो मुझे तो मालूम ही होगा ना, तुम लोग को मालूम करना था, पहेली तो मेरी थी। भाई अगर 25 सबसे पहले बोला था तो भाई गुड ऑन, ठीक है। अगली बार तुम लोग का टेस्ट लेंगे। अब तुम लोग जल्दी में आंसर देते हो ना, अब सबके टेस्ट होंगे और खाल कोई अपना ही आंसर लिखेगा, कोई बोलेगा नहीं, कोई किसी का देखेगा, ठीक है।